मेगालोडॉन। इस विशालकाय शार्क के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो धरती से लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन कैसे, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट को लगा, जब धरती से 150 लाइट ईयर दूर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, तब उसकी रेडिएशन धरती पर आ पहुंची और उसी वजह से मास म्यूटेशन हुआ, जिसमें मेगालोडॉन का भी अस्तित्व मिट गया। लेकिन 2019 में साइंटिस्ट को मेगालोडॉन के कुछ फॉसिल मिले, जिससे पता चला सुपरनोवा एक्सप्लोजन इनके एक्सटिंक्शन का मेन रीजन नहीं था। तब उन लोगों को लगा शायद क्लाइमेट चेंज इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टाइगर शार्क, बुल शार्क और ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे कई शार्क की संख्या बढ़ने लगी थी, जिससे एक तो इनमें खाने का कंपटीशन बढ़ने लगा और दूसरा ग्रेट व्हाइट शार्क मेगालोडॉन के बच्चों को भी खा जाया करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रेट व्हाइट शार्क मेगालोडॉन के मुकाबले बहुत तेज और फुर्तीले थे, जिससे इनके छोटे शिकारियों को छीन लिया करते थे, जिससे मेगालोडॉन को सिर्फ व्हेल जैसे बड़े बड़े जानवरों पर डिपेंड होना पड़ा। लेकिन 2 मिलियन साल पहले जब क्लाइमेट चेंज हुआ, तब सारे समुद्री जीव ठंडे इलाकों में चले गए और उनके पीछे पीछे व्हेल भी ठंडे इलाकों में माइग्रेंट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ मेगालोडॉन सिर्फ गर्म पानी में ही रह सकते थे, जिस वजह से धीरे धीरे भूखे मरने लगे और लाखों साल पहले ये विलुप्त